जोशीमठ में हर तरफ बर्बादी दिखाई दे रही है। जोशीमठ से बद्रीनाथ धाम को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे पर भी दरारें आ गई हैं। हाईवे पर चार चार फीट मोटी दरारें आई, जिसकी वजह से रास्ता बेहद खतरनाक हो गया है। हालांकि प्रशासन की टीम जल्द ही दरारों को भरने में जुट गई। जोशीमठ से बद्रीनाथ को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे पर चार फीट मोटी मोटी दरारें आ गई हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं नेशनल हाईवे नंबर 58 पर, और आपको बता दें यहां पर काफी देर के लिए आवाजाही बंद हो गई थी, और यहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से मरम्मत का काम किया जा रहा है, जिससे कि जल्द से जल्द इस पूरी सड़क को ठीक किया जा सके, यहाँ पर आवाजाही बहाल हो सके। जिस तरीके से यहाँ पर मोटी मोटी दरारें पड़ी हैं, जाहिर तौर पर अगर यहाँ पर जरा सी भी गाड़ी डिसबैलेंस हुई तो सीधे नीचे जाकर खाई में गिरेगी, जिससे कि अब बहुत गंभीर रूप से आप चोटिल हो सकते हैं, और अगर गंभीर अवस्था हुई तो विपरीत परिस्थितियों में आपकी जान भी जा सकती है। तो जोशीमठ मामले में सरकार बेहद गंभीर है। इस पूरे मामले में जल शक्ति मंत्रालय ने एक कमेटी गठित की है, जो 3 दिन में केंद्र सरकार को सभी मामलों का अध्ययन कर अपनी एक रिपोर्ट सौंपेगी। जोशीमठ में धस रही जमीन, फर्श को तोड़कर निकल रहा पानी, दरार से दहशत, एक्शन में सरकार। जोशीमठ में कुदरत के कहर से लोग भयभीत हैं, चारों तरफ दहशत का माहौल है। इस बीच सरकार भी बेहद गंभीर है, लोगों को बचाने की कोशिशें जारी हैं। जहां जहां दीवारों में दरारें हैं, वहां वहां भूगर्भीय टीम और आपदा प्रबंधन की टीम पहुंचकर लगातार निरीक्षण में जुटी है। अंदर वैक्यूम क्रिएट होगा, उसके कारण और धसा बढ़ने का संकट है। तो उसके हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारी संस्थाएं आई हैं साथ में, वाडिया है, DSI है, IIT रुड़की है, इनसे विचार विमर्श करके हम कुछ रास्ता निकालेंगे। उधर इस मसले पर केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने एक समिति का गठन किया है। ये समिति जोशीमठ के क्षेत्र में भू धसाव की घटना और उसके प्रभाव के मुद्दे पर अध्ययन करेगी। समिति जोशीमठ में जमीन धंसने की वजह से उससे उत्पन्न होने वाली स्थिति और बचाव के उपायों का पता लगाने के लिए रिहायशी इलाकों में जाकर पड़ताल करेगी। केंद्र सरकार ने समिति में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का एक प्रतिनिधि, केंद्रीय जल आयोग का प्रतिनिधि, भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण देहरादून का एक प्रतिनिधि और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के एक प्रतिनिधि को शामिल किया है। समिति इस मामले का तेजी से अध्ययन करेगी और घटना की वजह और इसके प्रभाव और संभावित प्रभाव की जांच करेगी। साथ ही NMCG को 3 दिनों के अंदर रिपोर्ट सौंपेगी। जोशीमठ शहर में कई मकानों में दरारें आने के बाद कई परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। राज्य के चमोली जिले में बद्रीनाथ और हेमकुंड साहब के रास्ते में आने वाला जोशीमठ समुद्र तल से 6000 फीट की ऊंचाई पर है, और यहां पर भूकंप के ज्यादा आने की आशंका रहती है। तो जोशीमठ में हर तरफ दरारें बढ़ रही हैं, धीरे धीरे नेशनल हाईवे तक पहुंच चुकी हैं। ऐसे में न्यूज 18 इंडिया की टीम पहुंची मारवाड़ी ब्रिज। सामरिक लिहाज से ये ब्रिज बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से चीन सीमा बहुत नजदीक है और भारतीय सेना के लिए बॉर्डर तक पहुंचना यहाँ से बेहद आसान हो जाता है। लेकिन मुश्किल ये है कि पूरे मारवाड़ी इलाके में मोटी मोटी दरारें दिख रही हैं, जिनका असर मारवाड़ी ब्रिज तक भी हो सकता है। जोशीमठ में दीवारें दरक रही हैं, धरती फट रही है, मिट्टी धस रही है, और ऐसे में देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पहुंचा है मारवाड़ी ब्रिज पर। जी हां, मारवाड़ी ब्रिज सुरक्षा के लिहाज से, सामरिक लिहाज से बेहद अहम है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें, देखिए ये जो पूरा का पूरा आप इलाका देख रहे हैं, दरअसल ये मारवाड़ी का इलाका है। मारवाड़ी के पूरे इलाके में चौतरफा अगर कुछ दिखाई दे रहा है तो सिर्फ और सिर्फ दरारें ही दरारें दिखाई दे रही हैं। लेकिन ये मारवाड़ी ब्रिज अहम क्यों है? दरअसल ये मारवाड़ी ब्रिज इसलिए अहम है क्योंकि यहाँ से चाइना बॉर्डर का जो डिस्टेंस है, एरियल डिस्टेंस, वो महज 6 से 7 किलोमीटर से भी कम है। लेकिन आपको बता दें, अगर
इस मारवाड़ी ब्रिज पर किसी भी तरह से दरार आती है, क्योंकि दावा यही किया जा रहा है कि जो दरारें हैं वो लगातार फैलती जाएंगी, आगे बढ़ती जाएंगी, और अगर बढ़ते बढ़ते यहाँ पहुंची तो मुश्किल बहुत बड़ी पैदा हो सकती है। और उसकी बड़ी वजह यह है कि इसी मारवाड़ी ब्रिज से सेना की जो आर्टिलरीज हैं, आर्मामेंट्स हैं, हैवी आर्मामेंट्स और भारी भरकम वाहन हैं वो गुजरते हैं, और अगर भारी भरकम वाहन यहाँ से गुजरेंगे तो जाहिर तौर पर वो क्षतिग्रस्त हो सकते हैं और जो कनेक्टिविटी है सुरक्षा की वो उस पर खतरा मंडरा सकता है। देखिए, उत्तराखंड को सामरिक लिहाज से 3 सेक्टर्स में बांटा गया है, एक माना पास, हरसिल, साथ साथ नीति पास। अगर ये ब्रिज क्षतिग्रस्त होता है तो साफ तौर पर माना पास और नीति पास पूरी तरीके से कट जाएगा।